अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब गाइस? एंड हेयर इज़ ज़ारा आबिद एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। अभी सुबह सुबह मैं उठी हूँ, चेंज किया है, ठीक है। और अम्मी जो हैं वो उनकी थोड़ी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, तो फिर मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, पराठे बनाते हैं। तो आज हम गाइस पराठे बनाते हैं। अभी आटा जो है वो फ्रिज से निकाल दिया है और तवा ऊपर रख दिया है। विद देसी स्टाइल आपने मेरे पराठों में नेम नहीं रखने। गर्मी भी बहुत ज्यादा है लेकिन पराठे खाने की आदत नहीं जाती। यू नो गाइस, पराठे खाने का अपना ही मजा है रियली। चाय हमारी तकरीबन रेडी है लेकिन मैंने इसको ज़्यादा बॉइल करना है। चाय बन गई है और अब हम इसको डाल लेते हैं। ड्यूटी से वापस आ रही हूँ और इतनी गर्मी है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि समझ ही नहीं लग रही क्या किया जाए, इस गर्मी का हल क्या निकाला जाए। पानी देना कद्दू, पानी दो मुझे। तो आपको पता है सोशल वर्कर्स हैं, काम तो हमें करना ही पड़ता है, साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ पे भी जाना पड़ता है। तो आई थिंक फ़ैन ऑन नहीं हुआ, दोबारा फ़ैन भी ऑन कर देना। चलें अभी गर्मी से आई हूँ, पानी शानी पी के खाना शाना खा लूँ, फिर आपसे एक इंग्रेडिएंट भी शेयर करती हूँ। एक फेस मास्क है ताकि जो गर्मियों में मतलब लोग यूज़ करें उनकी स्किन जो है वो रिफ़्रेश रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो है मॉर्निंग टाइम उठकर आइस का मतलब एक बॉल लें, उसमें आइस डालें, पानी डालें, उसमें ना तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए ना तकरीबन 30 सेकंड या 45 सेकंड 60 सेकंड्स तक भी कर सकते हैं। तो आप उसमें फेस को डिप करके बैठें, ठीक है। उसके बाद आप फेस जो है उसको ना मतलब रोज़ वाटर का स्प्रे भी किया जा सकता है, तो स्किन पे ना एक तरोताज़गी आ जाती है और एक्ने से भी बचा जा सकता है। जैसे आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नाश्ते में पराठा खाने की आदी हूँ, तो मोस्टली इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और बॉडी को इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी हम ले लेते हैं। तो पराठा खाना जो है नेक्स्ट कुछ डेज़ के अंदर ही हम स्किप करते हैं क्योंकि मौसम भी ऐसा है, तो इस वजह से हमें इस तरह नहीं खाना चाहिए। और पराठा खा के सांस भी फूल जाता है जब आप दिन में वर्क करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है आपके लिए। आप हल्का फुल्का नाश्ता क्या करेंगे मॉर्निंग में? जूसेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि डेली रूटीन्स में हमें क्या लेना चाहिए जो हमारे लिए गर्मियों में बेनिफिशियल हो। पेस्ट बना के दिखाती हूँ। आपने करना क्या है, बेसन लेना है और एग वाइट लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लेना है, मैंने मिनरल मास की डिब्बी में ना चावल का जो है ना
आटा वो बना लिया था, उसके चावल को ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह करना है हमने, एक वाइट में। अच्छा इसमें ना हमने 1 टेबल स्पून राइस जो है ना उसका राइस फ्लोर डाला है, ठीक है, चावलों का आटा मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें हम ये बेसन डालेंगे और इसको इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। ये वो फेस मास्क है जो अगर आप वीक में 3 दफ़ा यूज़ करें तो आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी और इतनी प्यारी लगेगी और एक फ्रेशनेस आ जाएगी। और क्योंकि राइस फ्लोर जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फेस मास्क जो है ये टाइटनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है कि आपकी स्किन जो है उसके ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी और साथ ग्लो भी करेगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना, फिर इसको हम फेस पे अप्लाई करते हैं। मैं तो हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। तो ये इस तरह का पेस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसको अब हम फेस पे लगाते हैं। सो ये मैंने फेस मास्क लगा लिया है और 15 मिनट के बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। सो मैंने फेस मास्क जो है उसे रिमूव कर लिया है एंड आई थिंक सो मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग जो है वो फील हो रही है मेरी स्किन पे। और एक हैंड पे मैंने लगाया था, दूसरे पे लगाया नहीं था ताकि मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा सकूं। सो गाइस इस तरह करते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बालों का एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाऊं, ठीक है। बालों का जो फ्रंट हिस्सा है ना, पहले हम उसे कर लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। उसे स्ट्रेट करने के बाद फिर हम अलग अलग दोनों साइडों का स्टाइल बनाते हैं। गाइज इस तरह है कि मेरा हेयर स्टाइल हो गया है रेडी और दोनों साइड से रेडी, ठीक है। जैसा भी आता था मुझे, मैंने बनाने की कोशिश तो की है तो मैंने ये बना लिया है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ थी मुकद्दस और मुकद्दस कह रही है कि पप्पू आपने खुद को तो तैयार कर लिया है लेकिन आपने मेरा हेयर स्टाइल नहीं बनाया या मुझे तैयार नहीं किया। तो अब इस तरह करते हैं कि उसका भी लाइट सा मेकअप करते हैं और उसका हेयर स्टाइल या कुछ इस तरह बनाते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए, ठीक है। सो मुकद्दस जो है वो आ चुकी है ड्रेस चेंज करके, तो इसने लहंगा पहन लिया है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं शादी पे जाना है।
तो अब हम इसे तैयार करते हैं, इसका लाइट सा मेकअप करते हैं। दिस का फाइनल लुक एंड नाउ शी लुक्स ब्यूटीफुल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, फूफो ने मुझे तैयार किया है, बहुत अच्छा तैयार किया है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ।